गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो हम लोग को एक स्टेटमेंट बना के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिस्क्लोज करना है। सबसे पहले आप देखो प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स, साल भर का सेल है 26,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 60 रुपीज़। यहाँ देखिए मटेरियल 40%, 60 का 40% दैट इज 24 रुपया। वेजेज दैट इज लेबर 30% 18, ओवर हेड 20% 12, प्रॉफिट 10% 6। ओके, परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा पर यूनिट। टाइम लैग देखिए, रॉ मटेरियल का 3 वीक्स, प्रोसेस दैट इज WIP 4 वीक्स। यहाँ देखिए फिनिश गुड्स नीचे है 2 वीक्स, डेटर 5 वीक्स, क्रेडिटर हो गया आपका 3 वीक्स। यहाँ देखिए वेजेज और ओवरहेड दोनों है 2 वीक्स। ओके, सातों पीरियड दिया हुआ है, रॉ मटेरियल WIP, फिनिश गुड्स, डेटर क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। ओके, ये देखिएगा कैश इन हैंड 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, जो नेट वर्किंग कैपिटल आएगा उसका 10% कैश इन हैंड रखना है। तो चलिए इससे हम लोग को एक स्टेटमेंट बनाना है, वर्किंग कैपिटल इस्टीमेट करना है। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी होता है। तो सबसे पहले हमको करेंट एसेट का कंपोनेंट और करेंट लाइबिलिटी का कंपोनेंट का वैल्यूएशन करना होगा, उसका अमाउंट डिटरमाइन करेंगे। एक नंबर वर्किंग करते हैं आपको एनुअल एनुअल सेल्स। एनुअल सेल्स आपका 26,000 यूनिट्स दिया हुआ था, सारा पीरियड वीक में था, इसलिए इसको वीकली सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 26,000 डिवाइडेड बाय 52, 500 यूनिट्स। ओके, दो नंबर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट प्रिपेयर कर लेते हैं। रॉ मटेरियल आपका 40% था, सेलिंग प्राइस 60 है, 60 का 40%, तो रॉ मटेरियल आपका 24। ओके, लेबर या वेजेज, लेबर या वेजेज आपका 30% था, तो 60 का 30% दैट इज 18। ओवरहेड आपका 20% था, तो 60 का 20% दैट इज 12 रुपया। इसको ऐड करेंगे 54, ये हो गया टोटल कॉस्ट। यहाँ ऐड प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट 10% है, 60 का 10% 6 रुपया, ये आ गया 60। ये हम लोग का सेलिंग प्राइस पर यूनिट था। क्लियर है? तो हम लोग एक वीक में 500 यूनिट प्रोडक्शन करके सेल करेंगे। एक यूनिट का ये कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड सेलिंग प्राइस है। अब इसको हम लोग वीकली में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर थ्री, वीकली एवरेज कॉस्ट। वीकली एवरेज कॉस्ट में रॉ मटेरियल, एक वीक का रॉ मटेरियल 500 है, एक यूनिट का दाम 24 रुपया, ये हो गया आपको 12,000। लेबर, वीकली प्रोडक्शन 500 है, वेजेज का है 18, ये हो गया आपका 9,000। ओवरहेड 500 इंटू 12 रुपया ओवर हेड है दैट इज 6,000,
और प्रॉफिट ले लेते हम लोग 500 यूनिट, एक यूनिट का प्रॉफिट 6 रुपया, दैट इज 3,000। तो सबसे पहले एनुअल सेल्स को वीकली में कन्वर्ट कर दिए, कॉस्ट शीट सजा दिए, उसको एवरेज वीकली कॉस्ट में कन्वर्ट कर लिए। आप इस चीज को एक बार क्वेश्चन में देख लो, यहां देखो एनुअल सेल था, यहां पीरियड वीक्स में है, इसको वीकली में कन्वर्ट कर दिए। 60 रुपया सेलिंग प्राइस है, 40% मटेरियल, 30% लेबर, 20% ओवरहेड, 10% प्रॉफिट। ओके, अब चलिए इसका कंपोनेंट का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का कोलमनर फॉर्मेट। यहां देखिए कंपोनेंट में था रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, ये चार करेंट एसेट्स था, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेज और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ये करेंट लाइबिलिटी था। इसमें एक एक का हम लोग अमाउंट डिटर्मिनेशन करेंगे पीरियड इन वीक्स। ओके, सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल का काम करना होगा। रॉ मटेरियल स्टोर में, इन स्टोर, स्टोर में रॉ मटेरियल 3 वीक्स था, इन डब्ल्यू आई पी, डब्ल्यू आई पी में 4 वीक्स है, इन फिनिश गुड्स 2 वीक्स है, इन डेटर, डेटर में भी रॉ मटेरियल आपका 5 वीक्स रहेगा। अब इसको ऐड करते हैं, 14 माइनस क्रेडिटर, क्रेडिटर आपका 3, दैट इज 11। आप इसको एक बार देख लो, इन स्टोर 3, प्रोसेस 4, फिनिश गुड्स 2, डेटर 5, क्रेडिटर 3। ओके, तो इसको यहां अरेंज कर दिए। 1 वीक का रॉ मटेरियल आप देखिए 12,000 है, तो इसको हम लोग 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा आपका 36,000, 48,000, 24,000, 60,000, और इसका 12 से इंटू करेंगे 36। ओके, और ये हो गया आपका 12,000 इंटू 11, 1,32,000। जैसे रॉ मटेरियल को अरेंज किए वैसे ही लेबर को भी अरेंज करेंगे, लेकिन लेबर खर्चा हमारा डब्ल्यू आई पी से चालू होगा, इन डब्ल्यू आई पी। डब्ल्यू आई पी का जो पीरियड था उसको 50% करके लिखेंगे, यहां देखिए 4 था 2 लिखेंगे, जब तक वर्क कंप्लीट नहीं होगा पूरा पैसा नहीं देंगे, फिनिश गुड्स पूरा लिख देंगे 2, डेटर लिख देंगे 5। तो ये हो गया आपका 9, इसमें आउटस्टैंडिंग है 2, ये हो गया 7। आप आउटस्टैंडिंग को एक बार देख लो, ये रहा आउटस्टैंडिंग 2 वीक्स। ओके, अब वेजेज, 1 वीक का वेजेज 9,000 था, तो इसको 9,000 से मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिव कॉलम में ले जाना है, ये हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस में 18,000, फिनिश गुड्स में 18,000, डेटर में 45,000, आउटस्टैंडिंग वेजेज 18,000 और टोटल 63,000। ये 9,000 से रेस्पेक्टिव इंटू कर दिए। जैसे वेजेज का होता है ठीक वही तरीका ओवरहेड के लिए भी होता है, ओवरहेड भी चालू होता है इन डब्ल्यू आई पी, और वही हाफ 2 लिखेंगे, इन फिनिश गुड्स 2, इन डेटर 5, दैट इज 9। इसका भी आउटस्टैंडिंग 2 बोला हुआ था, 7। ओके, और ओवरहेड का एक्सपेंस था पर वीक का 6,000, तो इसको 6,000 से इंटू करेंगे, डब्ल्यू आई पी में 12,000, फिनिश गुड्स में 12,000, डेटर में 30,000, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 12,000, टोटल 42,000। लास्ट आइटम ले आते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का पैसा डेटर में होता है, इन डेटर 5, टोटल इज 5। 1 वीक का प्रॉफिट आपका देखिए 3,000 था, तो 3,000 से इंटू करेंगे टोटल होगा 15,000, और डेटर भी आपका 15,000। ओके, तो ऐसे करके ईच एंड एवरी अमाउंट का कैलकुलेशन हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे,
इसको ऐड करके क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, आप टोटल कॉलम को देखिए, टोटल कॉलम है 1,32,000, इसके बाद है आपका 63,000, उसके बाद है 42,000 और लास्ट है आपका 15,000, टोटल हो गया 252,000, 252। यहां देखिए रॉ मटेरियल में इकलौता है 36,000, वर्क इन प्रोग्रेस को देखिए 48 और 18, 66 अब 12, 78। फिनिश गुड्स देखिए 24 और 18, 42 अब 12, 54। डेटर देखिए 60, 45, 105, 135 अब 15, 150। क्रेडिटर इकलौता है 36,000, आउटस्टैंडिंग वेजेज 18,000 और आउटस्टैंडिंग ओवर है 12,000। यहां देखिए एक एक अमाउंट का वैल्यूएशन आ गया, देखिए रॉ मटेरियल का आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। ये हो गया आपका रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर, करेंट एसेट हुआ, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, करेंट लायबिलिटी हो गया। आइए हम लोग का टोटल वर्किंग कैपिटल हो गया 252। इसको लेके चलिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, ये रख दिए फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स के अंडर में स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड में आपका रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का टोटल आया था 36,000, वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल था आपका 78,000, फिनिश गुड्स का टोटल आपका था 54,000, इसको प्लस करके बाहर कर देना है 168। डेटर, डेटर आपका 150 था। इसके अलावा आप क्वेश्चन में देखिए, कैश इन हैंड बोला है 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, तो 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल उसको बाद में फिलअप कर देंगे, ये ऐड होगा, लेस करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। तो क्रेडिटर्स था आपका 36,000, वेजेज 18,000, ये आपका 12,000, 66। इसको माइनस करके जो आएगा वो होगा नेट वर्किंग कैपिटल, क्लियर। तो नेट वर्किंग कैपिटल माइनस करने के बाद आएगा, तो माइनस करने के पहले जो रिजल्ट था वो था 252,000। ओके, तो कैश इन हैंड 252,000 का 10/90 करेंगे तो हो जाएगा, ये अगर 100 है तो कैश 10 है तो रिमेनिंग आपका 90 के इक्विवेलेंट है, तो कैश इन हैंड आपका आया 28,000, क्लियर। अब इसको प्लस कर देते हैं, इसका आया 346,000 और 68 माइनस कर देते हैं 66, तो रिजल्ट आया आपका 2,80,000। अब आप इसका 10% देखिए 28 हो जाएगा। ओके, तो यहां सीखना यही था कैश इन हैंड कैसे आया, तो यहां का 10% ये पता नहीं था, तो इसको छोड़ के जो पता था वो 252 10/90 कर दिए। अब चेक कर लीजिए 2,80 का 10% 28,000। तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले एनुअल सेल को वीकली सेल में कन्वर्ट करके एक छोटा सा कॉस्ट शीट बना दिए, फिर एवरेज वीकली कॉस्ट कैलकुलेट कर दिए, उसके बाद 10 कॉलम का ये
कॉलमनर फॉर्मेट में एक एक का वैल्यू डिटरमाइन कर दिए, उस वैल्यू को यहां पुट करके कैश इन हैंड निकाल दिए। ओके, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।